सो हे गाइस, हाउ यू, होप क्या बच्चे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पॉलिटेक्निक का स्कोप भारत से ज़्यादा विदेशों में है। इस पूरी वीडियो में इसी को डिकोड करेंगे और इसी को समझेंगे। और पहली बार अगर आप पॉलिटेक्निक का चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, अगर हम बात कर लें कि पॉलिटेक्निक का जो स्कोप है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसी भी ब्रांच से कर रहे हो, हर ब्रांच की एक अलग वैल्यू है। लेकिन एक बात ये क्लियर है कि डिप्लोमा का जो स्कोप इंडिया में है उससे कहीं 10 times ज़्यादा अदर कंट्रीज़ में है। लेकिन सारे ब्रांचों की नहीं, हर ब्रांच की अलग अलग कंट्री में स्कोप है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, अभी जैसे दुबई है, दुबई में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल की उतनी नहीं, इलेक्ट्रिकल और सिविल दो इंजीनियरिंग ट्रेड का डिमांड सबसे ज़्यादा है अगर आप दुबई में जाते हो। और तीसरा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम क्योंकि वहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग का भी डिमांड है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भाई, वहाँ पे पेट्रोल पैदा किया जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो गया। और सिविल का काम बहुत तेज़ी से होता है वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल का काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये दो तीन इंजीनियरिंग ब्रांच का स्कोप ज़्यादा है। कतर में चले जाइए, यूएस में चले जाइए, और कहीं पे चले जाइए, जैसे चाइना में चले जाइए, चाइना में चले जाइए तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैकेनिकल की मशीनरी का भी काम वहाँ पे अच्छा से होता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन दोनों इंजीनियरिंग ट्रेड का स्कोप वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सिविल का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। सैलरी की बात किया जाए तो भारत से भाई 10 गुना अच्छी सैलरी है वहाँ पे, डिमांड ज़्यादा है और करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ पे भाई सैलरी भी अच्छी खासी है, इंडिया से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको क्या सोचना चाहिए कि भाई सीधे विदेश ही चला जाना चाहिए? ऐसा नहीं है। आप पहले कभी भी आप फॉरेन कंट्री में जाने की सोचो तो पहले 2-4 साल इंडिया में बिताओ, 2-4 साल इंडिया में जॉब करो कि हाँ भाई मैं इस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, इस फील्ड में टाइम दे रहा हूँ। किसी भी फील्ड में, पॉलिटेक्निक ही कर रहे हो, किसी भी ट्रेड में उस फील्ड की अच्छी कंपनी में जाओ, काम सीखो। जब तक आप एग्जैक्टली काम सीख न जाओ तब तक दूसरी कंट्री मत जाओ। बिना काम सीखे अगर आप चले गए, आप, मैं बता दूँ, 4 महीने 2 महीने में वापस चले आओगे, क्योंकि काम नहीं सीखोगे कंपनियां रखेंगी नहीं, आपको फायर कर देंगी। ठीक है, प्रोफेशनल लाइन में आप जा रहे हो, लेबर टाइप में काम करने नहीं जा रहे हो कि बकरी चराने, भेड़ चराने या किसी का घर देखने जा रहे हो, आप जा रहे हो प्रोफेशनल काम में। वहाँ पे आपकी सैलरी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख महीना से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, वो हो सकता है 5 लाख रुपये महीना भी हो, अमेरिका जैसी जगहों पर हो सकता है 5 लाख रुपये महीना भी हो सकती सैलरी। तो ऐसे में आपको अपने आप को स्केल अप करना पड़ेगा, उस लेवल पे ले जाने के लिए स्केल अप करना पड़ेगा, उस लेवल पे ले जाने के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप समझ जाओगे और अगर आप अपने आप को उस लेवल पे लेकर चले जाओगे तो शायद चीज़ें आसान होंगी, शायद चीज़ें उस लेवल पे डेवलप हो जाएंगी। और अगर आप अपने आप को स्केल अप नहीं कर पाए तो चीज़ें मुश्किल लेवल पे गुजरेंगी और शायद समझना आपके लिए बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। गैस, मेरा काम था आपको समझाना। और जो लोग जाना चाहते हो फॉरेन, बिल्कुल जाइए, दिल खोल के जाइए, उम्र है आपका पैसा कमाने का, और बिल्कुल जाइए। क्योंकि देखो, अब विदेश दूर नहीं है, फ्लाइट है, 4 घंटे में अपने देश होंगे, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो 4 घंटे में आप इंडिया में होंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है। मान लो अमेरिका में हो तो ज़्यादा देर ओवरनाइट हो जाएगा, जैसे हम लोग नोएडा में रहते हैं, अपने होम टाउन गोरखपुर जाने में हमें 10 घंटे लगते हैं, तो ऐसे अमेरिका में रहते फ्लाइट से 10 घंटे में आने में लग जाता है, 10 से 12 घंटे में। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर माइंड सेट कि भाई आप पैसा कमाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको पसंद आए, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।